अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लास्ट टाइम मैंने आपको आधा मास्क का बताई थी, आधा मास्क हुआ था, आधा हमारा बाकी है। तो देखिए, मैंने आपको पहले इसमें 18 चेंज बनाना बताई थी, यहाँ से हमने शुरू किए थे। पहले हमने 18 चेंज बनाए थे, एक स्किप किए थे, फिर हमारी 17 हो गई थी, और उसके बाद हम लोगों ने सिंगल क्रोशिया का इस्तेमाल किए, और उसमें हमने 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन बनाए, और 9 लाइन से हमने यहाँ पर इंक्रीज़ करना शुरू किए। इंक्रीज़ करने के बाद में हमने 22 लाइन तक हमने इंक्रीज़ किए, और फिर उसके बाद में हमने डिक्रीज़ करना शुरू किए 35 रो तक। 35 रो मेरी हो गई है, और अभी फिर से मेरे पास 17 स्टिचेस है इसमें, जिस मैंने आपको बताई थी। जैसे हमने शुरू करे थे 18 से, फिर हमने एक स्किप किए, 17 किए, वैसे अभी मेरी इस रो में मेरे पास 17 स्टिचेस हैं। तो अभी 17 स्टिचेस के बाद आने के बाद में हमारा फिर से यही लाइन शुरू हो जाती, देखिए, जिसमें हमने सिंपल सिंगल क्रोशिया बनाए थे। तो अभी हम क्या करने वाले, यहाँ पर सिंपल सिंगल क्रोशिया की 7 लाइन बनाने वाले, जैसे पहले हमने यहाँ से यहाँ तक 7 लाइन बनाई थी। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 7 लाइन बनाई थी, फिर हमने इंक्रीज़ करना शुरू किया था। तो अभी हम क्या करेंगे, 7 लाइन बनाएंगे ऐसी ही, सिर्फ सिंगल क्रोशिया की। ये देखिए, अभी हम एक चेन लेंगे, जैसे एज यूजुअल हम लोग हमेशा लेते हैं। लेने के बाद में हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम, देखिए, फिर नेक्स्ट में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम ये अपनी पूरी लाइन करेंगे, और ऐसी हमको 7 लाइनें करनी है। ये अभी हमारी फर्स्ट वन है, 7 लाइन करेंगे। तो आप तो थ्योरी समझ गए होंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, सिंगल क्रोशिया, ये देखिए सिंगल क्रोशिया। मैंने अभी थोड़ा मेरे कैमरे के स्टैंड को चेंज किया है, ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से नज़र आ सके। देखिए, सिंगल क्रोशिया, 17 स्टिचेस हमारी यहाँ पर है, जिसमें हमको सिंगल क्रोशिया ही सिर्फ बनाना है। देखिए, सिंगल क्रोशिया, देखिए सिंगल क्रोशिया। देखिए, यहाँ पर मेरी 17 कंप्लीट हुई। फिर मैं एक चेन स्टिच लूँगी, फिर इस वर्क को टर्न करूँगी। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही मैं अभी एक लाइन मुकम्मल हो गई मेरी, तो मैं 6 लाइनें ऐसी बना लूँगी यहाँ पर। आपको शेप समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी साइज़ का मैंने बनाई हूँ। देखिए, मिडल में स्टिच मार्कर लगा हुआ है, ये ऐसे बनेगा। यहाँ पर और 7 लाइनें हमारी आएंगी, और उसके बाद में ये जो साइड की स्टेप्स, ये कैसे बनानी है ये मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम यहाँ पर ये 7 लाइनें मुकम्मल कर लेते। एक मेरी बन चुकी है, 6 बाकी है, वो मैं करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी देखिए, मेरी 42 लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं क्या करूँगी, मैं आपको बीच में से फोल्ड करके बताती हूँ। देखिए, साइज़ हमारी दोनों तरफ से सेम होना चाहिए। देखिए, ये मिडल आ गया, और ये हमारी यहाँ पर ऐसी साइज़ आ गई। साइज़ दोनों तरफ से हमारी सेम है। देखिए, 17 हमने यहाँ से शुरू की थी, और 17 पे ही हमने यहाँ पर ख़त्म किया है। और ये हमारा मास्क है फैब्रिक का, देखिए, तो ये ऐसे बनने वाला है। देखिए, तो अभी इसके आगे क्या करेंगे, इसको हम पहले साइड में, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब मैं इसके बारे में आपको बताऊँगी, इसको हम साइड में रखेंगे। और देखिए, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको साइड में रखेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, इसको मैं कट कर लूँगी,
यहाँ पर मैं थोड़ा छोड़ दूँगी और मैं इसको कट कर लूँगी। और अभी एक्चुअली हम लोग इसके साइड के एडजस्टेबल इलास्टिक जैसा बनाएंगे हम लोग, तो इसके लिए हमको क्या करना है, कम से कम हमको यहाँ पर 10 इंच तक छोड़ देना है ओल। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 से 10 इंच, अगर ये ज़्यादा होता है तो फिर हम कट कर लेते, 10 इंच तक हम छोड़ेंगे। यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे चेन स्टिच, 6 इंच की हमें चेन स्टिच बनानी है यहाँ पर। तो मैं अभी गिन कर बनाऊँगी ताकि आपको भी इसका अंदाज़ा मिल सके। तो चेन स्टिच तो आपको पता है, लेकिन फिर से मैं एक बार बताती हूँ। देखिए ये हम लोगों ने पहले लूप बनाए यहाँ पर, उसके बाद में 1 2 3 4 देखिए 5 6 7 8 9 10, ऐसे मुझे 6 इंच तक बनानी है। 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, मैं चेक करती हूँ कि मेरी कितनी हुई है। ये 6 इंच नहीं हुई है मेरी, ये देखिए इतनी बाकी है 6 इंच में, तो इतने मैं कर लेती हूँ। छब्बीस 27 28 अभी हो गई होगी शायद, मैं देखती हूँ। मैं ये गिन के इसलिए बना रही हूँ कि ताकि आपको गिनना ना पड़े। ये देखिए 6 इंच तक हो गई है हमारी। इसके बाद में फिर से हम उतना ही धागा छोड़ेंगे जितना हमने पहले छोड़े थे। ये मैं एडजस्टेबल बेल्ट बना रही हूँ, थोड़ा अलग कर रही हूँ। देखिए इतना होने के बाद में इसको हम ऐसे इसमें से डाल के खींच लेंगे। देखिए अभी ये हमारा एक तरफ का बेल्ट तैयार हो गया है। ऐसे हम दूसरी तरफ का बेल्ट तैयार करते हैं, तो बेल्ट तैयार होते फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद कीजिए। मेरा काम आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए और अपना खूब खूब ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।